हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है और पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या सीखेंगे। देखिए यहाँ पर एक एक्स नाम का वेरिएबल हमने बनाया है, ठीक है, और एक्स में स्ट्रिंग डेटा टाइप, देखिए स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज किया है। यहाँ पर str ये डिनोट कर रहा है कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब कैसे पता कि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग होता भी है या नहीं, इसके लिए मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन इसमें मैंने लिखा है हेलो स्टूडेंट, तो ये यही प्रिंट करके देगा और हेलो स्टूडेंट एक स्ट्रिंग होता है। पर आपको ये पता नहीं है कि पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप नाम की चीज नहीं होती है, यहां पर आपको मिलेगा स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो यहां पर कैरेक्टर डेटा टाइप आप नहीं यूज कर सकते, स्ट्रिंग डेटा टाइप ही आपको यूज करना है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये कैसे पता कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो यहां मैंने टाइप का यूज किया है और ये टाइप हमें बताएगा कि ये डेटा टाइप कौन सा है, ठीक है। तो अभी इसको मैंने slice.py से सेव किया, एक बार और इसको सेव कर लेते हैं और यहां से रन करवाते हैं। तो यहां पर जैसे ही हमने इसको रन करवाया तो आप देखेंगे कि यहां पर ये बता रहा है str यानी ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, क्लास इसका str बता रहा है यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप है, और यहां पर प्रिंट हो गया है हेलो स्टूडेंट्स। तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है और इसको लेकर के और भी वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।